इस पहली कैबिनेट मीटिंग में बीजेपी ने आरक्षण पर बड़ा फैसला लिया। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में तय किया गया कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण किया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो अब अनुसूचित जातियों की जो जातियां वंचित रह गई है उनके लिए कोटा बनाकर उन्हें आरक्षण दिया जा सकेगा। हरियाणा सरकार अब राज्य में अनुसूचित जातियों में शामिल अन्य जातियों को भी कोटे में कोटा दे सकेगी। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है। नायब सिंह सैनी दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। नायब सैनी पद संभालने के साथ ही बड़े फैसले लेने भी शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में नायब सैनी सरकार ने राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए अनुसूचित जाति आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे का फैसला लागू किया है। कैबिनेट की बैठक के अंदर ये पहली हमारी कैबिनेट की बैठक थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने वो सम्मान किया है। जो एससी में वर्गीकरण का मामला था वो तुरंत उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए हमने ये फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है। आपको बता दें कि इसी साल 1 अगस्त को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण की अनुमति दी थी, जिससे अनुसूचित जातियों के भीतर अधिक पिछड़े समूहों के लिए अलग से कोटा प्रदान किया जा सके। इस फैसले को 7 जजों की पीठ ने 6-1 की बहुमत से सुनाया था। अब चलिए आपको बताते हैं कि क्या है कोटे के अंदर कोटे का फैसला जिसे प्रदेश सरकार ने लागू किया है। कोटा के भीतर कोटा का मतलब है आरक्षण के पहले से आवंटित प्रतिशत के भीतर एक अलग आरक्षण व्यवस्था लागू करना। ये व्यवस्था मुख्य रूप से सुनिश्चित करने के लिए है कि आरक्षण का लाभ समाज के सबसे पिछड़े और जरूरतमंद समूहों तक पहुंचे, जो आरक्षण प्रणाली के तहत भी उपेक्षित रह जाते हैं। इसका उद्देश्य आरक्षण के बड़े समूहों के भीतर छोटे कमजोर वर्गों का अधिकार सुनिश्चित करना है, जिससे वे भी आरक्षण का लाभ उठा सके। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर अलग अलग समूहों को आरक्षण दिया जा सकता है, जिससे सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों को ज्यादा प्रतिनिधित्व और लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जैसे ही इस फैसले को प्रदेश में लागू किया, वैसे ही धीरे धीरे अब लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। भिवानी के लोगों ने इस फैसले को लेकर मुख्यमंत्री का आभार जताया है और एक दूसरे के साथ अपनी ये खुशियां बांटी हैं। जो हमारा डीएससी समाज का जो 1 तारीख को जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो आज सीएम साहब ने पहली क्लेम में लागू कर दिया। उसके बारे खुशी इतनी डबल खुशी हो चुकी कि डबल दिवाली डीएससी समाज का सीएम साहब ने मनाने का काम किया। उसको लेके आज हमारा पूरा डीएससी समाज 34 बिरादरी अंदर इतनी खुशी है कि हमारा पूरे बिरादरी में लाड्डू और पटाखे के साथ प्रोग्राम चल रहा है और हम धूमधाम से हमारी 36 बिरादरी पूरा सीएम साहब का, मनोहर खट्टर का और नायब सैनी का और क्या नाम से अपना नरेंद्र मोदी जी का, हम पूरा समाज डीएससी समाज हम इनका धन्यवाद करते हैं। 2004 से हमारी लड़ाई चल रही है डीएससी को लेके, एससी वर्ग को लेके चल रही थी। आज वो कहीं ना कहीं 2024 में जाके वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसको मद्देनजर रखते हुए सीएम साहब ने इलेक्शन से पहले ही कह दिया था कि पहली कलम पहली बैठक में हम आपको आपका डीएससी लागू कर देंगे। और सेम ऐसा ही हुआ, कल ही शपथ ग्रहण ली थी नायब सिंह सैनी ने और आज उन्होंने पहली कलम में हमारा डीएससी का लागू किया है। इसलिए हम पूरा समाज डीएससी समाज पूरी भाजपा सरकार को माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष सभी को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हम ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। आप हमारा ऐसे ही आशीर्वाद रखना, हम पूरा समाज आपका ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। आपको बता दें कि एससी वर्ग की जो जातियां ज्यादा पिछड़ी रह गई हैं और जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है और जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको इस फैसले से उपवर्गीकरण के जरिए उसी कोटे में प्राथमिकता दी जा सकती है, जिससे उन तक लाभ पहुंचे और उनका उत्थान हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।